आपने सलमान खान की दबंग मूवी जरूर देखी होगी। उस मूवी में एक डायलॉग है कि मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही। यह सुनकर उस सीन में विलन हक्का बक्का रह गया था। यह बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर एकदम फिट बैठती है। लगभग पिछले 9 महीने से सिर्फ एक सवाल पाकिस्तानी फैंस के जहन में चल रहा है कि उनकी क्रिकेट टीम तो भारत में वर्ल्ड कप खेलने गई थी, तो क्या भारत सरकार भी अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान भेजेगी। तभी से लेकर अब तक बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यह बात कही थी कि किसी भी सूरत में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और यह टूर्नामेंट एशिया कप 2023 की तरह हाइब्रिड मॉडल में खेला जाए, जिसको लेकर करीब 1 महीने पहले आईसीसी की एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अपनी बात रखी थी और आखिर में निर्णय यह हुआ था कि आईसीसी जो फैसला करेगा वो दोनों ही टीमों को मानना होगा। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह, जिन्होंने खुद ही यह अपील की थी, अब वो ही आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और अब उन्हें ही यह निर्णय लेना है कि भारत पाकिस्तान जाएगा या फिर नहीं। मतलब अपील भी भारत की और फैसला भी भारत का। इसके साथ तो एक बात एकदम साफ हो गई है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादा कुछ किया तो कहीं उनसे मेजबानी भी ना छीन जाए। वैसे भी वहां के स्टेडियम के हालात और पिच की रूपरेखा सभी ने देखी है। स्टेडियम में जहां मरम्मत का काम चालू है तो पिच एकदम सपाट हाईवे रोड बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या खास देखने को मिलता है। जय शाह इससे पहले एशिया क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जबकि उनका आईसीसी में चेयरमैन का कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू होगा। जय शाह के चेयरमैन बनने की उम्मीद काफी पहले से ही थी, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बर्कले ने पहले से ही अपना कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया था। आईसीसी के इस फैसले से फैंस के साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने भी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बर्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा और इसके बाद 1 दिसंबर से जय शाह उनकी कुर्सी संभालेंगे। जय शाह 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। इससे पहले जगमोहन डालमिया, जो कि 1997 से लेकर 2000 तक आईसीसी के चेयरमैन रहे थे, उसके बाद शरद पवार, जिन्होंने 2010 से 2012 तक इस जिम्मेदारी को संभाला था, उसके बाद एन श्रीनिवासन, जिन्होंने 2014 से 2015 तक इस पद को संभाला था, वहीं उसके बाद 2015 से 2020 तक आईसीसी के चेयरमैन रहे थे शशांक मनोहर, वहीं अब इस जिम्मेदारी को बीसीसीआई के सचिव जय शाह संभालने वाले हैं। सबसे मजे की बात यह है कि वह आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन भी बने हैं। अब देखना होगा कि जय शाह के बदलने के बाद आईसीसी किस तरह के फैसले करती है और क्रिकेट किस तरह से प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन एक बात तो लगभग अब तय है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत नहीं जाएगा। इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं।